अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वाली वीडियो जो है मेरी, ये मेरी प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट टू है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एज अ फ्रीलांसर और एज अ बिगिनर आप कैसे फ्रीलांस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीके मैंने बताया। लेट्स सपोज अगर आपको कोई स्किल्स नहीं अभी तक आपने डिवेलप की, या फिर आप उस प्रोसेस में जहाँ पे आप कोई स्किल सीख रहे हैं, सो वो कौन सा आसान तरीका है जहाँ से आपको फ्रीलांसिंग का पता चल जाए। और उसके लिए मैंने स्टडी पूल बताया था। सो व्हाट एग्जैक्टली स्टडी पूल, फॉर दैट यू नीड टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेट्स सपोज अगर आपने स्टडी पूल एक्सेस आपने कर लिया है, और अब आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने स्टडी नोट्स, अपने असाइनमेंट्स, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एजुकेशनल हो या एकेडेमिक हो नेचर में, आप वो सेल आउट कर रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी सेल्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज अगेन इट बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग, अ लिटिल टफ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोग स्टडी पूल यूज़ करते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे अप्रोच किया जाए और अपनी जो है वो सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई ओवरनाइट आपको कोई जादू नहीं हो जाएगा और आपका काम हो जाए और आपको फ़ौरन से आज आपने काम किया और कल आपको पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आपको एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और उसके बाद जाके आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है, और फिर लोग आपको देखना शुरू करते हैं और आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं। सो इस डिस्क्लेमर के साथ और इस टिप के साथ, इस नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सेल करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड या इस तरह का आपके पास एक कैनवस होगा, और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हुए और जितने डॉक्यूमेंट्स डिक्लाइन हुए और जितने पेंडिंग पे, वो आपके सामने नजर आ जाएगा। मेरे ये सेकंड अकाउंट है जिसपे 16 ऑलरेडी, मेरे सेकंड अकाउंट में 16 डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हैं और 3 अभी तक पेंडिंग में है और डिक्लाइन अभी तक कोई भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके कुछ रीजन्स हैं, और वो रीजन्स क्या हैं वो आपके सामने अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है स्टडी पूल के। कौन सा डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट या अप्रूव नहीं होगा और कौन सा डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था। और उसके साथ साथ यू वुड ऑल्सो फाइंड अ कपल ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट सैम्पल्स हियर, कि कौन से डॉक्यूमेंट गुड क्वालिटी है, कौन से बैड कॉन्टेंट है। सो वो आप खुद देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट अगर बहुत टाइम ले रहा है एक्सेप्ट होने में, अप्रूव होने में, या नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो वो किस वजह से नहीं हुआ। सो वो सारी रीजंस आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा, और अगर आपका लेट्स सपोज बैड कॉन्टेंट है, बैड क्वालिटी, तो इस वजह से भी आपको एक तो पेंडिंग पे, लेट्स सपोज अगर अप्रूव हो भी जाता है तो वो ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता। सो एक तो कुछ ये रीजंस हैं। सेकेंडली, अगर आप यहाँ से माय अपलोड्स पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। सो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया तो वो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे नजर आएगा, ठीक है। और विद दैट यू कैन ऑल्सो सी कि स्कूल का नाम है, कोर्स है, टैग्स हैं, टाइम्स अनलॉक्ड है, एंड व्यू एंड एडिट है। अब आपको यहाँ पे टैग्स, कोर्स और स्कूल के ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक अपना जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, ग्लोबल लिटरेचर रीडिंग पैक, सो अगर मैं एडिट करती हूं, यहां पे वो कुछ ऑप्शंस हैं जो आपकी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आपका ये डॉक्यूमेंट पहुँच सकता है। एक तो सबसे पहले टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर भी और जो बाहर डिस्प्ले पर लगेगा वो भी। सो टाइटल यहाँ पर है ग्लोबल लिटरेचर रीडिंग पैक, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बेहतर कर देती हूँ, और इसमें कुछ अगर मेरा कैप्स लॉक में मिस्टेक है या मैं कोई यहाँ पंक्चुएशन में कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो वो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ग्लोबल लिटरेचर मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका स्कूल क्या है। स्कूल आपका कॉलेज भी हो सकता है, आपका स्कूल भी हो सकता है, और आपकी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। सो मैं यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी लिखूँ, लेट्स सपोज चले मैं अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम ही लिख देती हूँ, ठीक है। और फिर कोर्स, ये कौन से कोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये अगेन लिटरेचर का है। सो आप इसमें जो भी आपका है, ग्लोबल लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर है, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, वट एवर यू स्टडिंग, और जिस भी हवाले से ये नोट है उसका आप कोर्स ऐड करेंगे। देन एन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू ऐड टैग्स ओवर हियर। जितना ज़्यादा टैग्स होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकेंगे। टैग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब टैग्स यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए यू नीड टू एक्सेस रैपिड टैग्स। अगर आप रैपिड टैग्स पर जाते हैं तो आपको रैपिड टैग्स में
बने बनाए आप इजीली टैग्स को जनरेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने ये कॉपी कर दिया यहाँ पे, और मैं अगर इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगी तो मुझे ये टैग्स सामने शो कर देगा। सो अगर मैं इसे सर्च करती हूँ तो मेरे पास यहाँ बने बनाए टैग्स आ जाएंगे। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सो अगर आप सेव और अपडेट करें तो आपके सामने सारे टैग्स आ जाएंगे। ये टैग्स हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपका जो है डॉक्यूमेंट उन तक पहुंच सकेगा, वो लोग आराम से इसे नेविगेट कर सकेंगे। इनमें से कोई भी अगर वर्ड वो यूज़ करते हैं सर्च बार में या इसको ढूंढते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ऊपर यू नो पॉपअप कर सकता है। सो यू नीड टू सेव एन अपडेट। तो जब आप सेव एंड अपडेट करेंगे तो आपके सामने 21 टैग्स इसने शो किए हैं, और आपने कोर्स और आपने स्कूल नेम भी साथ में एडिट कर दिया और यहाँ ऐड कर दिया। अब ये डिटेल्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका टाइटल जितना स्ट्रांग होगा, आपके टैग्स जितने स्ट्रांग होंगे, आपने कोर्स जितना क्लियरली मेंशन किया होगा, उतना ही ज़्यादा आपका काम इजीली व्यू होगा, बाकी लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। उसके अलावा ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है टू जनरेट द सेल्स एंड टू यू नो व्हेन यू वांट टू रीच द मास ऑडियंस। तो ये सारे तरीके भी बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें भी आपका टाइटल बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और उसमें आप देख सकते हैं कोर्स का नेम है, आपका इंस्टीट्यूशन है, कोर्स कोड है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिस शीट है, MCQs हैं, क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ मैंशन भी की हैं और उसको मैंने हाईलाइट भी किया है। सो इस तरह से भी लोग जो है वो पढ़ के फौरन से एकदम से वो कैची और अट्रैक्टिव लगते हैं, तो लोग उसे देखते हैं, उस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, उसे बाय करने की कोशिश करते हैं, उसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। सो दैट यू नो दिस इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइकवाइज आई कैन शो यू अ कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे भी कोर्स जो है वो इस तरह से क्लियरली मेंशन है, असाइनमेंट है, समरी है, क्या टॉपिक है, नॉवल है, बुक है, राइटर का नाम क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ मेंशन है। इसी तरह से एक आपको एक और एग्जांपल दिखा सकते हैं। कोर्स है, उसके बाद आपके पास ये एसे है। सो आपने क्लियरली टाइटल, राइटर सब कुछ यहाँ मेंशन किया है। देन आई हैव अनदर एग्जांपल एंड देन आई हैव अनदर एग्जांपल। ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। सो यू हैव द कोर्स नेम एंड देन द समरी, और उसके बाद आपने बता दिया समरी है, एसे है, असाइनमेंट है, क्रिटिकल रिव्यू है, एनालिसिस है, जो भी आप फिर आप गाइड प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कोई MCQs या वर्कशीट है। सो आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। और अगर आपके साथ अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम प्रेजेंट कर रहे हैं तो साथ साथ उसका कोर्स कोड भी ऐड करें। बाज़ों का स्टूडेंट्स कोर्स कोड के नाम से भी चीज़ों को सर्च करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके सर्च को, आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा आगे और फॉरवर्ड पहुंचा सकते हैं, और इस तरह से ज़्यादा लोग इसे व्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल्स जनरेट होगी। सो ये दो टिप्स हैं और इनसे बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। सो यू कैन ईजिली यू नो फॉलो दी स्टेप्स और फिर आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सेल्स बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल।